रियली एन आई ओपनर। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत की है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, सबको देखना चाहिए। अमेजिंग, रियली एन आई ओपनर, वी रियली नीडेड दैट। Phenomenal acting, really, really good acting. They delivered what they were supposed to deliver. We kind of already knew what Article 370 was, but this was a detailed information, and it was really good to learn something that the nation was so after, and it was good, nice. Everybody did a phenomenal job. They delivered to their best. That's all I can say. बहुत अच्छी लगी मूवी। स्टोरी में इसे देखिए कितना छोटा वर्ड है 370। हम लोग कब से, मतलब आज सब आर्टिकल 370 हर बार में बात करते हैं, लेकिन उसका गुण महत्व क्या है, रहस्य क्या है, उसमें क्या छुपा हुआ था और किस तरह इस सरकार ने उसको बाहर लाई। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत की है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत बढ़िया रोल किया यामी ने, और उसके हस्बैंड की मूवी है मेरे ख्याल से, जो यूरी के डायरेक्टर थे। डायरेक्शन बहुत अच्छा है। साउथ की हीरोइन है जो, उनका भी रोल बहुत अच्छा है। पिक्चर बहुत खरी उतरी है हम लोग को बताने में कि आर्टिकल 370 क्या था और कैसे हटा, उसका जो मोटिव था वो पूरा हुआ है। 4 स्टार दूंगा मैं। थ्री सेवेंटी देखिए, आर्टिकल 370, और मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे बेस्ट पार्ट इस फिल्म का ये लगा कि बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करती है। शुरू होती है बिल्कुल मुद्दे से, ख़त्म होती है बिल्कुल मुद्दे पर। और ये देखिए, कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं जो हम सबको पता नहीं है। ये ऐसा एक मुद्दा था जिसके बारे में भारत में कई सालों से बातें हो रही थी, और फाइनली हमने देखा कि एक ऐसा इंसान आया जिसने एक पॉलिटिकल विल, जिसे कहते हैं, वो दिखाई। और इसमें कई हज़ारों लोगों की मेहनत लगी है, रात दिन का एफर्ट लगा है, वो दिखाया गया है कि कैसे जो है एक पूरी चीज़ को आप अच्छे से, एक सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल टीम वर्क जिसे कहते हैं, उसके साथ आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और उससे देश को कैसे फ़ायदा हो सकता है वो दिखाया गया है। यामी गौतम ने काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार निभाया है, उनकी एक्टिंग जो डिलीवर किया उन्होंने ऑडियंस को, अपना मैसेज कैसे लगा? यामी गौतम एक बहुत शानदार अभिनेत्री है। हम उनका काम आज से नहीं देख रहे हैं, बहुत पहले से। आप उनका विकी डोनर ले लीजिए, या तो बाला में जो उनका रोल था, या तो फिर आप अभी उनकी जो ओ माय गॉड में एक जो चालाक लॉयर बनकर आई, ओ माय गॉड 2 में जो चालाक लॉयर बनकर आई, और इस फिल्म में भी जहाँ जहाँ काम करती अपनी छाप छोड़कर ही जाती हैं, तो यहाँ पर भी उनका काम जो है बहुत अच्छा है, शानदार है। जो उनकी इंटेंसिटी है, जो एक्सप्रेशन है, जो उनकी आँखें हैं, ये हर चीज़ अपने आप में इतना बोलती हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है इसको हाईलाइट कर देती है। तो यामी गौतम ने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। 4 स्टार। आर्टिकल 370 बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा समझाया। मतलब एक किसी को मालूम नहीं है कि ये आर्टिकल 370 किस लिए है, क्या है, ये हटाने से क्या हो गया, पहले क्या परिस्थिति थी, ये सब आज अच्छे से पता चला। सिर्फ सुनते थे, बहुत बार मिसगाइड होते थे पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं, अपोजिशन साइड एक बोलती है, रूलिंग पार्टी कुछ और बोलती है, तो हमको लगता है कि नहीं अपोजिशन बोल रहा है सही में, अभी ये गलत कर रहे हैं। लेकिन अब पता चलता है कि कैसे उन्होंने 370 हटाया, और उसके पहले की कंडीशन कैसे थी, अब कैसे कश्मीरियों को अच्छा महसूस हो रहा है, ये अब पता चला। सबका, सबकी एक्टिंग बहुत शानदार है, सबको देखना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली फैक्ट क्या थी, सबको देखना चाहिए। आउट ऑफ 5 5।